होटल फॉर यू के नए प्रोग्राम में हम विजिट कर रहे हैं फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन को, जो कि लोकेटेड है ऑन एजर्टन रोड लाहौर। ये होटल पहले हॉस्पिटैलिटी इन के नाम से जाना जाता था एंड इन 2019 इट वाज रीब्रांडेड एंड एलिवेटेड टू फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन। हेलो व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अमीर हमजा विद अनदर एक्साइटिंग होटल फॉर यू। व्यूअर्स, आज जो होटल हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट इज जस्ट अ मिनट अवे फ्रॉम सिटीज हिस्टोरिक एंड फाइनेंशियल सेंटर। फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन एक मल्टीनेशनल होटल ब्रांड है जिसको मैरियट इंटरनेशनल ऑपरेट करता है एंड इट हैज अप टू 300 प्रॉपर्टीज वर्ल्ड वाइड। तो वेट नहीं करते और करते हैं चेक इन और अपने एक्सपीरियंस का आगाज करते हैं। तो लेट्स गो। With international standards, security measures, Four Points by Sheraton has a room capacity of 117 and has two parking lots with a capacity of over 100 cars. होटल लॉबी की मॉडर्न लाइट फिक्स्चर से अंदाजा हो जाता है कि होटल का डेकोर कंटेम्प्रेरी है। विद ग्रैंड पियानो प्लेस्ड ऑन वन साइड, लॉबी बहुत ही एक्सक्विजिट फील देती है। लॉबी की ओवरऑल फील बहुत ही वार्म, कोजी और मॉडर्न है, वेरी वेलकमिंग इंडीड। मेन लॉबी में आपको रेड लोटस चाइनीज रेस्टोरेंट मिलता है अलॉन्ग विद अ पेस्ट्री शॉप, द रेस्टोरेंट विद द नेम ऑफ लाहौर गेट्स और एक गिफ्ट शॉप भी नजर आती है। व्यूअर्स, इस होटल का एक्वेरियम इज़ सो फैंसी और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, वो भी बहुत मॉडर्न लाइंस पर ड्रॉन है। और सबसे मज़े की बात जो मुझे अभी तक लॉबी में लग रही है ना, वो यहाँ का साउंड डिज़ाइन, जो यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे हैं वो बड़े ही मॉडर्न हैं, बड़े ही रेलिवेंट और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं। आई विल डेफिनेटली आस्क यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है वो कौन बनाता है। तो अब हम चल रहे हैं चेक इन करने और रिसेप्शन की तरफ जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं। मुझे आप बता सकते हैं कि क्या क्या रूम्स अवेलेबल हैं, क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं हमारे पास? बिल्कुल सर, हमारे पास 3 कैटेगरी में रूम है सर। डिलेक्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं एंड स्वीट रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। राइट, तो डिलक्स से शुरू करते हैं। डिलक्स का मुझे बताएं कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं डिलक्स में। सर जो हमारा डिलक्स रूम है वो 26,000 प्लस टैक्सीज है, उसमें 2% का ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है। देन उसके साथ सर कम्प्लीमेंट्री फैसिलिटी है सर, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप कम्प्लीमेंट्री है, सोनाबाद है, चिगुजी है, जिम है, स्नोकर क्लब है और स्विमिंग पूल है, ये इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डिलक्स से ही कॉम्प्लीमेंट्री सर। बिल्कुल, ऑब्वियसली क्योंकि आप देखें जो 26,000 रुपीज है वो एक प्रीमियम चार्जेस है। बिल्कुल सर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर कि ये फैसिलिटीज जो है मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि 4 पॉइंट्स जो है वो हमें देगा। अच्छा, उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव रूम, उसकी भी जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल सेम है, मगर उसमें सर एक डिफरेंस ये है सर, उसके अंदर हमारा 4th फ्लोर एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, उसके अंदर एक लॉन्च है सर, उसकी लॉन्च की फैसिलिटी है, उसमें ECF होता है जो क्लब फ्लोर फैसिलिटी कम्प्लीमेंट्री है, वो थ्रू रूम सर्विस होता है, उसमें 2% प्रेसिंग कम्प्लीमेंट्री होती है और मिनी बारी कुछ आइटम होती है वो कम्प्लीमेंट्री होती है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव फ्लोर हमें मिल जाता है, एग्जीक्यूटिव रूम जो है हमारा एग्जीक्यूटिव रूम वो आइडेंटिकल है डिलक्स रूम के एक जैसा? नो नो सर, डिलक्स रूम से एग्जीक्यूटिव रूम थोड़ा सा बड़ा है। एग्जीक्यूटिव रूम का जो रेट है सर वो 13,000 प्लस टैक्स है सर। 30,000? यस सर। 4,000 मोर? यस सर। ठीक हो गया। और मुझे बता दें थर्ड कैटेगरी जो आपकी है सर, वो स्वीट रूम है सर, उसका सर 15,000 प्लस टैक्स है।
अच्छा, और स्वीट में और एग्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है फैसिलिटीज वाइज? फैसिलिटी तो सेम है, मगर वो रूम सर दोनों रूमों से बड़ा है सर, वो टू रूम को जैसे मिला के बड़ा। हाँ, स्वीट जो होता है कि आपको एक सेपरेट जगह मिलती है फॉर सिटिंग है, देन उसके साथ फिर एंट्री डोर है ओपन होता है, फिर एक रूम है सर। दो रूम्स मिलेंगे जैसे दोनों रूमों को मिल जाए, एक सिटिंग रूम के अंदर हम एंटर होते हैं, देन एक सिटिंग रूम है सर, अब सिटिंग के रहेंगे फिर देन दो डोर है ओपन रहेंगे तो एक रूम है जो मास्टर बेडरूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसका जो वॉशरूम का साइज है वो भी बड़ा है सर। अच्छा, वॉशरूम भी बड़ा है। राइट राइट राइट, चले ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक आई वुड गो विद द डिलक्स रूम, और हम देखते हैं कि आपकी जो है 26,000 में सर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। श्योर सर। और आपकी कोई प्रमोशंस भी लगती हैं? प्रमोशन सर बिल्कुल लगती है सर। राइट, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर उन्हें प्रमोशंस अवेल करनी हो तो उनको आप क्या बताएंगे कि कहाँ से प्रमोशंस जो है वो अवेल कर सकते हैं? सर प्रमोशन ऑनलाइन सर आती रहती है सर, ऑनलाइन आती है आपके डिजिटल पे भी आती रहती है। राइट राइट राइट, चलिए ठीक है, परफेक्ट। यदि चेक इन करते हैं तो नो शो सर, प्लीज़ मुझे आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा सर, प्लीज़। डेफिनेटली सर, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन करनी है सर। मिस्टर मीर साहब, प्लीज़ आपका आईडी कार्ड एंड आपके रूम की की है सर। इसमें वाईफाई का पासवर्ड रिलैक्सेशन मेंशन किया, यूजर नेम मैरिड बॉर्नवे गेस्ट या शर्टन गेस्ट, दोनों में से किसी एक को क्लिक करेंगे, एक्सेस कोड मांगेगा, रिलैक्सेशन उसका पासवर्ड है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं जो मैं बड़ा इंट्रीग हो रहा था जानने के लिए, ये जो आपका म्यूज़िक है ये बड़े ही आपके लेटेस्ट सॉन्ग्स जो है इस पे सुनने को मिल रहे हैं, बड़े ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, तो हु इज़ द डीजे बिहाइंड इट? ये म्यूज़िक आपको पूरे होटल में ये मिलेगा सर। अच्छा, ये म्यूज़िक पूरे होटल में चल रहा है, रूम में भी ये चल रहा है सर, लिफ्ट में भी मिलेगा, लिफ्ट में भी ये सब हर जगह यही म्यूज़िक मिलेगा। अच्छा, वॉशरूम में भी मिलेगा? बिल्कुल सर। ओह नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग, वॉशरूम में भी मिलेगा? बिल्कुल सर। वाओ गाइस, ये फोर पॉइंट्स जो है यहाँ की बातें ही डिफरेंट है। तो खैर, अपना एक्सपीरियंस हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस स्टे सर। थैंक यू, एंजॉय योर स्टे सर। व्यूअर्स, जैसे आपने लॉबी देखी वो भी बहुत कामिंग और बहुत कोजी उसकी फील थी, इसी तरह रूम कॉरिडोर की जो फील है वो भी बहुत कामिंग और कोजी किस्म की फील है। बड़ी वार्म यहाँ पे लाइट है, एंड एवरीथिंग लुक्स फैंटास्टिक। आई वेलकम यू ऑल टू माय रूम। I just love the color contrast of this room. बहुत ही welcoming और cozy vibe है room की भी, जैसे हमने lobby में देखा था, उसके बाद हमने room corridor में देखा था, उसी तरह यहाँ के जो colors हैं वो बड़े soothing से हैं। Bed को अगर हम देख लें तो bed की दो side tables नहीं है, सिर्फ एक side table है, और उसके साथ जो है एक headboard दिया हुआ है, quilted headboard. One more thing that is very unique in this hotel and that is the sound that we are hearing throughout the hotel. हम जब लॉबी में थे तब भी हमें एक म्यूज़िक आ रहा था सुनने में, उसके अलावा जब हम कॉरिडोर में आए तब भी हमें म्यूज़िक सुनने को मिल रहा था, और रूम में भी हमें वही म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है जो कि जब हमने पता किया था तो स्पॉटिफाई के ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। रूम का म्यूज़िक जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ये पूरा उन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है जहाँ से आप साउंड अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। वेरी कूल व्यूअर्स, अब हम बेड का कंफर्ट चेक करते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है जी ये बेड का जो कंफर्ट है, हमेशा की तरह हम चेक करते हैं, और ज़रा लेट के रिलैक्स होके चेक करता हूँ। नॉट बैड, क्वाइट कंफर्टेबल, थोड़ा सा स्टिफ है, लेकिन देखिए स्टिफ मैट्रेसेस के अपने फ़ायदे होते हैं, और आई एम श्योर कि उस वजह से ये स्टिफ है, बट इट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। व्यूअर्स, अब हम साइड टेबल की बात कर लेते हैं। साइड टेबल जैसे कि आपने देखा, इन्होंने एक पैनल दिया हुआ है, म्यूज़िक पैनल है, उसके साथ यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स हैं, ये हम यहाँ से लैंप्स जो हैं वो बंद कर सकते हैं,
और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये इसकी इंटेंसिटी भी दी हुई विच इज़ क्वाइट कूल। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रॉर नहीं है, ये एक जगह है यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं बट देर इज़ नो ड्रॉर टू द साइड टेबल। और व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्विन सोफ़ा है, उसके साथ एक चेयर पड़ी हुई है और बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे हैं, बड़े साफ़ सुथरे। ये बड़ा ज़रूरी होता है जी, काफ़ी होटल्स हम विज़िट करते हैं जो कि सफाई पे इतना ध्यान नहीं देते, बट दिस इज़ वेरी क्लीन, वेरी कंफर्टेबल, वेरी मॉडर्न। आई एक्चुअली लव द फर्नीचर ऑफ दिस रूम। उसके अलावा यहाँ पे देखें आप, एक स्टडी टेबल है, बड़ी ही रॉयल किस्म की विक्टोरियन स्टाइल की स्टडी टेबल है, साथ एक बड़ा सा लैंप लगा हुआ है। दिस स्पेस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस और ये रोटेटेबल चेयर है, नॉट बैड। एंड आई लव द पेंटिंग बिहाइंड मी, इट रिफ्लेक्ट आवर कल्चर। आई थिंक ये रेलवे स्टेशन को ड्रॉ किया हुआ है, लव इट। व्यूअर्स अब हम थोड़ी सी इवेल्यूएशन कर लेते हैं इस रूम की। सबसे पहले हम करते हैं वाईफाई टेस्ट, बड़ा ज़रूरी होता है जी इंटरनेट। ये मैंने स्पीड टेस्ट ऑन कर लिया है और मैंने गो का बटन दबा दिया है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ। व्यूअर्स 4.73 इज़ नॉट अमेजिंग बट इट्स नॉट बैड, काम आपका चल जाता है, लेकिन बहुत हाई स्पीड जो है वो आपको नहीं मिलेगी, या हो सकता है इस टाइम पे इंटरनेट सर्विस जो है वो डाउन हो। एनीवे, अब हम करते हैं रूम सर्विस चेक और मैं आज पीऊँगा कॉफ़ी और देखते हैं कि मेरी कॉफ़ी जो है मुझ तक कितनी देर में पहुँचती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन आई गेट वन कप ऑफ कॉफ़ी? यप, कैपेचिनो, थैंक यू। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। And in 16 minutes 25 seconds my cappuccino is here. Viewers, जैसे कि आप देख सकते हैं इस रूम में एक मीडिया वॉल भी अवेलेबल है और मीडिया वॉल पे हमें सोनी टेलीविजन 40 inches का प्रोवाइडेड है। इसके साथ एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की इस रूम में वो ये है कि जो लैम्प यहाँ पे आप देख रहे हैं पड़ा हुआ है वो और टेलीविजन का गैप जो है वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, तो या तो अगर आप देख रहे हैं टेलीविज़न तो लैंप ऑफ कर दें या फिर लैंप को पकड़ के आप उधर प्लेस कर दें, तो आपको जो टेलीविज़न का व्यू है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और व्यूअर्स, रूम सीलिंग में आपको नज़र आएगा एक स्मोक डिटेक्टर, उसके साथ ही सामने वाली वॉल पर आपको वाटर स्प्रिंकलर भी नज़र आएगा। एक चीज़ जो मैंने रूम सीलिंग में नहीं मुझे मिली वो है किबला डायरेक्शन। किबला डायरेक्शन आपको रूम की सीलिंग पे नहीं मिलेगी, वो इन्होंने प्लेस की हुई है स्टडी टेबल के ऊपर। व्यूअर्स, इस रूम में हमें फुल लुक मिरर भी मिलता है। हमेशा मैं बताता हूँ कि इसकी यूटिलिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। क्लोज़ेट चेक करते हैं। You get a digital locker along with a pair of disposable slides, shoe shiner and a weighing machine. Washroom is beautifully set up with Victorian style interior. The delicate tray for washroom amenities is indeed an elegant touch. Viewers, high tea ka time ho gaya aur ab main ja raha hu high tea karne. Acha, ek cheez badi interesting lagi na mujhe room corridor mein, wo hai yahan ki paintings. जो यहाँ की पेंटिंग्स है ना वो पाकिस्तान का एक कल्चर रिफ्लेक्ट करती हैं, स्पेशली लाहौर का कल्चर रिफ्लेक्ट करती हैं। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम एन अमेरिकन चेन कि हमें लाहौर का कल्चर देखने को मिलेगा, और जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं उसका नाम भी लाहौर गेट्स है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे यहाँ पर इस होटल में देखने को मिली। अदर देन दैट, रूम कॉरिडोर में ये आप देख सकते हैं ये जो क्विल्टिंग है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and very elegant look is coming out of the room corridor. तो खैर चलते हैं और high tea को enjoy करते हैं। Thank you.
लाहौर गेट्स इज़ वन ऑफ द मेन रेस्टोरेंट्स ऑफ दिस होटल, जहाँ पर ब्रेकफास्ट बुफे आपको मिलता है और हाई टी आपको मिलती है और 24/7 ये ओपन होता है। तो अभी हम हाई टी ट्राई करेंगे इनकी और चेक करेंगे कि खाना किस तरह का है। तो लेट्स गो विद मी। लाहौर गेट्स की वाइब बहुत ही मॉडर्न और वेस्टर्न है एंड दैट फिश एक्वेरियम इज एडिंग सो मच वैल्यू टू इट। Viewers, 4 points by Sheraton से हमारी expectations बिल्कुल भी कम नहीं थी, obviously due to the American royalty। और जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेंज देखने को मिली है। और मैं आज जो सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना चाइनीज़ में जाना चाह रहा हूँ, सो आई एम गोना गो विद एग फ्राइड राइस ऑब्वियसली, और उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी फिश हॉट गार्लिक। Viewers, I'm telling you, I think I've made the right choice. I just love it. It's so good. अब तो आप भी गवाह हैं कि मैंने कितने ज़्यादा होटल्स जो हैं वो विज़िट किए हैं। हॉट फिश गार्लिक, गाइस, दिस इज़ टू गुड। और एग फ्राइड राइस भी ज़बरदस्त हैं। द क्वालिटी ऑफ द राइस इज़ सो गुड। और भूख मुझे ऑलरेडी बहुत लगी हुई थी, लेकिन लाहौर गेट्स आके जब मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने चेक किए हैं ना, और उसको जब मैंने टेस्ट कर लिया है, आई एम टेलिंग यू, मुझे लग रहा है आज मेरी 2 नहीं 3 शिफ्टें होंगी। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, बफलो विंग जो होता है ना, वो बेसिकली ऑब्वियसली वो बफलो का नहीं होता, बेसिकली ये चिकन विंग होता है। और ये ओरिजिनेट हुआ था न्यूयॉर्क बफलो इन अमेरिका, इसकी वजह से इसका नाम बफलो विंग पड़ा हुआ है। बफलो विंग में भी बहुत टेस्ट है, और ये जो चाउमिन है ये भी बहुत मज़ेदार है। डिज़र्ट्स में भी बहुत बड़ी रेंज मिलती है आपको लाहौर गेट्स की हाई टी में। फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन आपको ऑफर करता है 5 कॉर्पोरेट एंड बैंक्वेट हॉल्स। व्यूअर्स, इस वक्त मैं 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन के रूफटॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कोयला रेस्टोरेंट जो है वो सिचुएटेड है। आपको बताता चलूँ कि इस रेस्टोरेंट में आपको देसी क्यूजींस ट्राई करने को मिलेंगी, और मैंने सुना है कि यहाँ का जो बारबेक्यू है, जितनी भी बारबेक्यू आइटम्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। तो मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ चॉप्स
लैम्प चॉप्स हैं, मैंने इसके बारे में सुना भी था, इसके बारे में पढ़ा भी था कि लोगों को वो बहुत मज़े की लगती हैं, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू रिव्यू देम। एंड आपस की बात है, मैं खुद ज़रा खाना चाह रहा था और ट्राई करना चाह रहा था और थोड़ा इन्जॉय करना चाह रहा था, तो देखते हैं। The chops were to die for. Koela restaurant ke barbecue ka taste bahut hi different laga mujhe. Mazedar wala different. They have outdoor settings to enjoy the open feel of the restaurant aur saath hi indoor portion bhi maujood hai. Good morning viewers, I hope you all are doing great. I had a fantastic sleep. एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी ना मुझे, मेरी कोई 3:30-4 बजे आँख खुली और ख़ामोशी मुझे बहुत बॉदर कर रही थी, तो मैंने हल्का सा वॉल्यूम अप किया और Spotify का म्यूज़िक ऑन हो गया. द Spotify म्यूज़िक यू get it here 24/7, दैट इज़ द कूलेस्ट थिंग. और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और देखेंगे कि हमारे पास खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है. सो लेट्स गो विद इट. ऑमलेट्स, हलवा पूड़ी, आलू की भुजिया, चिकन निहारी, इंडीड देयर ब्रेकफास्ट हैज अ लॉट टू ऑफर. व्यूअर्स, वी आर बैक इन लाहौर गेट्स, जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट बुफे ट्राई करने को मिलेगा. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लाहौर गेट्स की बड़ी ज़बरदस्त लगी है ना, वो ये है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है. दूसरी बात ये कि ये रेस्टोरेंट जो है बहुत ही स्पेशियस है. अगर आप मूव कर रहे हैं, मनूवर कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहती है चीज़ें पिक एंड चूज़ करने के लिए. और ये बड़े कम रेस्टोरेंट में हमें मिलता है देखने को, क्योंकि जनरली जब भी हम बुफेज ट्राई करते हैं जहाँ पर भी, तो होता ये है कि वो एक बंदे के अंदर दूसरा बंदा जो है ना वो बेचारा लग रहा होता है. लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी स्पेशियस विच इज़ वेरी गुड. तो अब मुझे भूख भी लग गई है एंड आई एम गोना स्टार्ट विद पैनकेक्स. मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे रहा नहीं जा रहा, सो लेट्स बिगिन. ओके जी, वी आर डन विद पैनकेक्स. वी हैव बॉइल्ड एग्स here, we have shami kebabs here, cool. We have chicken steak with pepper sauce. Guys, this seems interesting. Aur ye jo hai na, main apni agli shift mein try karunga. फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन की ओवरऑल वाइब और फील बहुत ही कामिंग है. आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ बिट मोर एंड एंडेड अप एट द गिफ्ट शॉप. Red Lotus ka Chinese is one of the most visited hotel restaurants mainly because of its ambience and taste. Suna hai bahut hi authentic hai. Right now I am standing on the 6th floor of this hotel which is called R floor. R matlab recreational floor. Yahan pe aapko ek zabardast si pool table milti hai, uske alawa yahan pe scissor salon milta hai, uske alawa yahan pe health club milta hai aapko, aur yahan par hi aapko swimming pool bhi milta hai. इट्स अ वेरी कूल, वेरी वाइब्रेंट फ्लोर. और मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ. Okay.
पूल टेबल हो और मैं एक दो स्ट्राइक्स ना लूं, नॉट पॉसिबल। Viewers, it's time for me to check out. I had a fantastic stay at Four Points by Sheraton. और there is no doubt कि जब आप किसी international chain में आते हैं तो आपको difference feel होता है. और the facilities that you're getting in $120 from Four Points by Sheraton, I would say they are absolutely on point. इसी के साथ हम अब इजाज़त चाहेंगे आपकी. थोड़ी देर तक हम ratings भी share करेंगे आपके साथ कि हम इस hotel को कहाँ रेट करते हैं. सी यू वेरी सून, बाय. फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन के ओवरऑल एक्सपीरियंस को मैं रेट करूंगा 5 out of 7. फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 5, होटल क्लेनलीनेस 6, फ्री वाईफाई 3, रूम क्लेनलीनेस 6, ब्रेकफास्ट बुफे 6, रेस्टोरेंट क्वालिटी 6, स्टाफ 5, facilities 5, comfort 6, location 5, value for money 4. 4 points by Sheraton की overall rating रही 5 stars. Totally worth it.